नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के द्वितीय दिवस गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने की प्रातः काल माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। सायंकाल में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की देवी की पूजा। जनपद के जर्जर भवनों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण करने का जिलाधिकारी कृष्णाकर उनेश ने दिया निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि उनके यात्रा से भाजपा को किसी तरह का नहीं होगा नुकसान, बल्कि कांग्रेस को ही हो रहा है नुकसान। टूट रही है कांग्रेस पार्टी। पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को लंपी बीमारी से करेगा जागरूक। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने शारदीय नवरात्रि की गोरखपुर वासियों को दी शुभकामना। मां से सभी के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संचारी दस्तक अभियान के कार्यों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, जनपद में अगले कुछ दिनों तक छिटपुट वर्षा की है संभावना। और शारदीय नवरात्र पर दूसरे दिन भक्तों ने गोलघर काली मंदिर पहुंचकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के लोक कल्याण की कामना। अब खबरें विस्तार से। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ रवाना होने से पूर्व शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रातः काल जगत जननी माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप में ब्रह्मचारिणी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में सुबह के सत्र में गोरक्षपीठाधीश्वर ने तो सायंकाल में उनकी अनुपस्थिति के सत्र में समस्त अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने किए। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का पाठ एवं दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जारी रहा। दोनों पूजन सत्रों में आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। शारदीय नवरात्र के प्रतिपदा पर सोमवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सायंकाल गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ के गर्भगृह में कलश स्थापना कर नवरात्र के विशेष अनुष्ठान उपासना का शुभारंभ किया था। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ रवाना होने से पूर्व प्रातः सत्र में मंदिर के शक्तिपीठ में मां भगवती के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह करीब 2 घंटे तक चली पूजा में मुख्यमंत्री ने गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। समस्त अनुष्ठान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की देखरेख में हुए। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चन से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। पावन शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चरण पादुका का पूजन किया गया। संस्कृत विद्यापीठ के 151 वेद पाठी छात्रों ने पुरोहितों एवं आचार्य गण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चरण पादुका पूजन का अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद, शशांक पांडे, शुभम मिश्रा, विनय गौतम आदि उपस्थित रहे। Yeah.
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद के जर्जर भवनों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि जनपद में जो जर्जर भवन है उनको चिन्हित करने के लिए आदेश आया है तथा उनको प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करके ध्वस्तीकरण करा लिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा जा सके। क्योंकि प्रदेश के कुछ जिलों में मकान गिरने से कुछ लोगों की दबकर मौत हो गई, अधिकतर बारिश के समय ही मकान गिरता है, ऐसे मकान को चिन्हित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए जो शासकीय भवन है जो जर्जर अवस्था में है, वो एक आदेश आया है कि उनको चिन्हित कर लिया जाए और उनको प्राथमिकता के तौर पर ध्वस्तीकरण करा लिया जाए, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना उससे हम लोग बचाव कर सकें। सदर सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। कांग्रेस टूट रही है, उन्हें केरल और राजस्थान में दौड़कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा उनकी भारत जोड़ो यात्रा फालतू है, उनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए प्रभाव वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। कांग्रेस टूट रही है उनकी, कांग्रेस उनको तो राहुल गांधी को जहाँ केरल में जहाँ भी तुरंत दौड़ना चाहिए, अब राजस्थान में पूरा बर्बादी, मतलब आला रहा, ना कमान रहा, ना तीर रहा, ना तरकश रहा, काहे का आला कमान, वहाँ के मुख्यमंत्री अलग है, बिगुल फूके हुए हैं। राहुल बाबू को सब छोड़ छाड़ के केरला जहाँ भी चल रहे हैं, पैदल अनासे घूम रहे हैं, जाना चाहिए उनको, अपने कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। सीडीओ संजय कुमार मीना ने पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि लंपी स्किन बीमारी से पशुओं के बचाव के लिए टीकाकरण प्रचार वाहन को रवाना किया गया है, जिससे कि अगर किसी पशु को लंबी बीमारी है तो वाहन के जरिए उसका टीकाकरण कराया जा सके। यह वाहन गाँव गाँव जाकर लोगों को पशुओं में होने वाली बीमारियों से अवगत करवाएंगे। लोगों को बताया जा रहा है कि पशुओं के आसपास साफ सफाई रखें। लोगों से अपील है कि इस समय पशुओं को ना बेचें और कहीं पर भी किसी पशु को कोई दिक्कत हो तो तत्काल पशु अस्पताल में संपर्क करके उसका इलाज करवाएं। उन्होंने बताया कि अभी तक गोरखपुर जनपद में कोई भी पशु लंपी बीमारी से प्रभावित नहीं हुआ है। जनपद में 5 लाख वैक्सीन आया हुआ है जो कि अलग अलग जनपदों को भेजा जाएगा। अगर कहीं पर भी इस तरह की बीमारी पाई जाती है तो निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपीएस सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, वाहन जो हमारा लंपी स्किन डिजीज़ है उसके बचाव और रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार करने हेतु वाहन को रवाना किया गया है। ये वाहन हमारे जो गौआश्रय स्थल हैं, चाहे वो नगर एरिया में हो चाहे ग्रामीण एरिया में हो, वहाँ बारी बारी जाकर ग्रामीण वासियों को, नगर वासियों को
इस बीमारी से बचाव के लिए कैसे पशुओं को इस बीमारी से बचाया जा सकता है उसके संबंध में अवगत कराएंगे। और जो सबसे बड़ा बचाव होता है वो तो वही है कि हम लोग पहले ही अपनी सावधानी बरतें, साफ़ सफाई रखें आसपास, और क्योंकि पशु मेले पहले ही बंद किए जा चुके हैं तो मेरी ये अपील भी रहेगी सभी लोगों से कि कोई भी अपना पशु अभी किसी भी मार्केट में ना बेचे। सर देखा जाता है अधिकतर बरसात का भी सीजन है, पशुओं में आवश्यक बीमारियाँ होती हैं, मुँह पका रोग, कई तरह के रोग होते हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए जो भी पशुओं के रोग होते हैं उनके संबंध में तत्काल हम लोग जो वैक्सीन उपलब्ध होती है जहाँ भी जानकारी मिलती है वहाँ प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन लगाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी से को आगे बढ़ने से रोका जा सके। वर्तमान में जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसके तहत गोरखपुर जनपद में 5 लाख वैक्सीन यहाँ पर स्टोर है जो विभिन्न जनपदों के लिए है। जैसे ही शासन से अलॉटमेंट आता है हम लोग उन संबंधित जनपदों को वैक्सीन उपलब्ध करा देते हैं। वर्तमान में गोरखपुर में किसी भी प्रकार का लंपी स्किन डिजीज़ से कोई पशु प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पशु प्रभावित हो इससे पहले हम सभी को वैक्सीनेट कर दें। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के द्वितीय दिवस गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने की प्रातः काल माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। सायंकाल में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की देवी की पूजा। जनपद के जर्जर भवनों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण करने का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दिया निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि उनके यात्रा से भाजपा को किसी तरह का नहीं होगा नुकसान बल्कि कांग्रेस को ही हो रहा है नुकसान, टूट रही है कांग्रेस पार्टी। पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को लंपी बीमारी से करेगा जागरूक। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने शारदीय नवरात्रि की गोरखपुर वासियों को दी शुभकामना। मां से सभी के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संचारी दस्तक अभियान के कार्यों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा जनपद में अगले कुछ दिनों तक छिटपुट वर्षा की है संभावना। और शारदीय नवरात्र पर दूसरे दिन भक्तों ने गोलघर काली मंदिर पहुंचकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के लोक कल्याण की कामना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदर सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के सभी नागरिकों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामना दी, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि गोरखपुर वासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामना देता हूं। माता रानी सभी लोगों की रक्षा करें और सभी के ऊपर मां की कृपा बनी रहे। उन्होंने कहा 9 दिन व्रत हूं क्योंकि 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्र हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा मैं सभी गोरखपुर की देवतुल जनता को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। माई सब लोगों के रक्षा करे, माई का कृपा बनल रहे सब पे और माई का परम्पार आशीर्वाद बनल रहे। ये हम भी भूखल है, 9 दिन सब के उपवास होकेला और ये सबसे पवित्र ये हम त्यौहार हमनी के हिंदू सनातन धर्म के बाटे। तो आज हम एक सांसद के रूप में गोरखपुर के रुवा लोगों के हीरो के रूप में सब लोगों से हाथ जोड़ के बहुत सारा शुभकामना दे और माई से हम निहोरा करम कि माई सब लोगों के कल्याण कर। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संचारी दस्तक अभियान के कार्यों की विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि संचारी रोगों से बचाव के लिए गांव में विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। गांव में आशा घर घर जाकर लोगों को इससे बचाव के बारे में बता रही है कि घरों में साफ सफाई रखें और कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। और गांव में छोटे वाले हैंडपंप है, उस हैंडपंप को लाल रंग से मार कर पानी
पानी पीने से मना किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास विभाग भी इसी तर्ज पर कार्य कर रहा है। गांव में झाड़ियों की कटाई करवा रहा है, नालियों में दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है, सभी गांव में स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था करवाई जा रही है, जिससे कि गांव में इस तरह के रोगों को फैलने से रोका जा सके। इस अवसर पर GPRO हिमांशु शेखर चाको, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभाग मिलकर के एक समेकित प्रयास करें और उसमें सर जो है उस समेकित प्रयास में सर यही हुआ कि नगर निगम जो है गाँव में साफ सफाई कराएगा, झाड़ियों की साफ सफाई कराएगा, जहाँ पर कहीं पर भी पानी एकत्र हो रहे हैं उस पानी को साफ कराएगा, जो नहीं बांट सकते हैं तो उसका ड्रेनेज क्लियर करेंगे, और अगर कहीं पर तालाब है या कुछ और ऐसी चीजें हैं उसमें जो मच्छर रोधी मछलियाँ जो मुंजिया मछली होती है उसको डालेंगे। इसके साथ साथ सर स्वच्छ पेयजल के लिए और जो छिछली वाले जो छोटे वाले हैंडपम्प सर आते हैं उस हैंडपम्प को हम रेड कलर से मार्क करके और गांव वालों को या शहरवासियों को पानी पीने से मना करेंगे। इसके साथ साथ सर यही सेम काम पूरा का पूरा काम जो है ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ग्राम विकास विभाग करता है, झाड़ियों की कटाई कराता है सर, नालियों में मतलब जो है लाली साइकिल का स्प्रे कराएंगे, पॉगिंग कराएंगे सर, और गांववासियों को जो है जो हैंडपम्प का पानी है स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराएंगे सर। इसके साथ साथ सर कृषि विभाग है जो चूहों को कंट्रोल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स का प्रयोग कराते हैं, उनका भी काम यह है कि सर वो नहर के किनारे जो है हमारी जितनी झाड़ियाँ होती हैं उनकी कटाई कराएँ, सफाई कराएँ, बांध के तट पर जितने होते हैं, और इसके बाद सर जो है प्रमुख रूप से विद्यालयों का काम होता है। ये देखा गया था कि विद्यालय में बच्चे जो होते हैं घर पर अपने अभिभावकों को अधिक प्रभाव डालते हैं, तो उस दृश्य से था कि प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना के समय 10 मिनट का समय एक अध्यापक को ट्रेन करके उस अध्यापक को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो प्रेयर जो मॉर्निंग होती थी उसके बाद जो है एक संदेश होता था क्या करें क्या ना करें, वो हमारे विभाग की तरफ से बना है। हाथ धोएं, सोच के बाद अपने हाथ को धोएं, हैंडपम्प का पानी पिए, पूरी बांह का कपड़ा पहने, सोते समय मच्छरदानी लगाएं, अगर कहीं घरों में अंधेरा है गेंदा है सर और ग्रीन टी की जो लेमन ग्रास होती है इसका प्रयोग करिए, ये मच्छर रोधी प्लांट के रूप में। इसी तरह से पशुपालन विभाग का काम ये होता है कि वो गाँव में या उनको प्रेरित कीजिए कि वो सुअर पालन छेड़ करके कुक्कुट पालन या मत्स्य पालन और जो अन्य करते हैं, अगर वो सुअर पालन नहीं छोड़ते हैं तो अपने सुअर पालन के चारों तरफ मच्छरदानी दर्ज कर देते हैं। इसी तरह से सर हमारे न्यूज इसमें जो है मीडिया का है, मीडिया जागरूकता जनजागरूकता के लिए है और काफ़ी अवसर विभाग है जो अहम जिम्मेदारी होती है वो दस्तक अभियान के तहत होती है, जिसमें आशाएँ जो है प्रतिदिन जो है 100 से 150 घरों का भ्रमण करती हैं जो सर्च करती हैं और जिन घरों में पिछली बार मच्छर मिले थे उनको देखती हैं, वो इसकी सूचना एक फॉर्म पर लाइन स्कैन करके अपनी ANM को दे देती हैं। ANM जो है वो चिकित्सा अधीक्षक को देते हैं, चिकित्सा अधीक्षक जो है संबंधित ब्लॉक पर जो बैठक करते हैं उनको सूचित कर देते हैं। अगर बुखार का मरीज मिलता है तो 108 और 102 से मरीज को जो है हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं, जो हमारे ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में ETC बने हुए हैं वहाँ पर उनको ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर सर समेकित प्रयास है, लेकिन सर ये सारी प्रतिबद्धताएँ हम लोग जो है पढ़ करके करते हैं, लेकिन ये जब तक आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहता है तब तक हम लोग इसे पालन करने में असमर्थ होते हैं सर। इसीलिए जो है हम लोग ये बैठकें आयोजित होती हैं आपके नेतृत्व में और हम लोग ये रहते हैं कि आपके दिशा निर्देश और आपके अनुशासन से हम लोग इसको कार्यान्वयन कर सकते हैं। 3 सर 3 स्तर से होती है, एक स्टेट पर माननीय मुख्यमंत्री जो CS सर की तरफ से होती है, दूसरी जिला स्तर पर राज्य स्तर से होती है और तीसरी जो है हमारी स्वतंत्र एजेंसियाँ होती हैं सर WHO BARC और UNICEF। जनपद में मंगलवार को ही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अभी तक कहीं पर भी बारिश की चेतावनी को जारी नहीं किया गया है। मंगलवार की बारिश जो हुई है अभी उसका आकलन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, I'm going to go to the next one.
देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार तो इस क्षेत्र में कोई ऐसी कोई चेतावनी की जारी नहीं किया गया है। ये संभवतः हो सकता है कि जो लोकल फिनोमिना है उसके आधार पर यह बारिश हुई होगी। तो अभी इस तरह से अभी हमारे विभाग को कोई ऐसी कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा मिली नहीं है। सर, आगे की कुछ क्या संभावना है? कुछ अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये संभावित है कि अभी ये मानसून जो लौट रहा है उसके कारण कुछ जगहों पे हो सकता है छुटपुट वर्षा हो, लेकिन ये मतलब अभी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि कुछ जगहों पर थोड़ी मोड़ी वर्षा हो सकती है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी काली मंदिर पर भक्तों ने पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल, कमल और श्वेत रंग का पुष्प प्रिय है। जो भी भक्त इन पुष्पों को माँ को अर्पित करके पूजा करता है तो माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है। जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी प्रमोद ने बताया कि नवरात्र का दूसरा दिन है, भक्त सुबह से ही मंदिर में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। सुबह और शाम में भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। उन्होंने बताया कि अलग अलग दिन नवरात्र में अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। यह मंदिर बहुत पुराना है जहां पर दूर दूर से भक्त आकर माँ के दर्शन करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी प्रमोद ने कहा, आज दूसरा दिन है, पब्लिक आ रहे हैं, दर्शन करके चले जा रहे हैं। कल भीड़ था, आज मंगलवार है, शाम को फिर भीड़ होगा, आज सुबह भीड़ था। हाँ, अलग दिन अलग महिला भी आती हैं, जो व्रत रहते हैं वो भी उन लोग आते हैं, नहीं व्रत होते हैं तो भी आती हैं। ये मंदिर खाली नहीं जाता, मंदिर बारहमासी भीड़ होता है, बहुत पुराना है। उसमें तो हम बहुत छोटे हैं। कितना साल पुराना मंदिर है? तीसरा पुछ चल रहा है। बहुत ज़्यादा, हजारों आदमी आते हैं, कई मंदिर खाली नहीं जाता है, जरूर दिन में 100 आदमी 200 आदमी आते जाते रहते हैं। बहुत पूरा होता है, एक ऐसा मंदिर है कि हर माता रानी जो पूज लिया तो पूज लिया, हर कामना पूरा करती हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के द्वितीय दिवस गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने की प्रातः काल माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। सायंकाल में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की देवी की पूजा। जनपद के जर्जर भवनों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण करने का जिलाधिकारी कृष्णाकर उनेश ने दिया निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि उनके यात्रा से भाजपा को किसी तरह का नहीं होगा नुकसान, बल्कि कांग्रेस को ही हो रहा है नुकसान, टूट रही है कांग्रेस पार्टी। पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को लंपी बीमारी से करेगा जागरूक। गोरखपुर
गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने शारदीय नवरात्रि की गोरखपुर वासियों को दी शुभकामना। मां से सभी के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संचारी दस्तक अभियान के कार्यों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत, जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा जनपद में अगले कुछ दिनों तक छिटपुट वर्षा की है संभावना। और शारदीय नवरात्र पर दूसरे दिन भक्तों ने गोलघर काली मंदिर पहुंचकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के लोक कल्याण की कामना। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।